तामसी शक्तियां हैं और उन तामसी शक्तियों के कारण हमारे जीवन पर जो प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ते हैं, हमारा पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसका समाधान क्या है? ये एक ऐसा विषय है जो बार बार हमने बताया भी है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा है, चर्चा की है, फिर भी हम लोग कभी कभी उस विषय को अनदेखा कर देते हैं और असावधानी बरतते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे ऊपर एक आक्रमण होता है और जो हमारा सहज मार्ग है वो कभी कभी कठिन बन जाता है। सब जानते हैं कि ये कलयुग है, तमस युग है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, रजस का प्रभाव है, तमस का प्रभाव है, तमस अधिक मात्रा में, सतोगुण का तो कहीं वर्णन ही नहीं रह गया है। तो आपको तामसी युग में रहकर सात्विक जीवन जीना है, सत्वगुण की तरफ चलना है, ज्ञान की तरफ चलना है। तो ये ऐसा है जैसे नदी की विपरीत धारा में अपनी नाव लेकर चल रहे हैं और केवल वो जो विपरीत धारा है वो कोई साधारण धारा नहीं है, पर तीव्र गति से विपरीत बह रही है, उसमें कई प्रकार के ऐसे तरंगे भी उठ रही है जो आपकी नाव को पलटा भी सकती है। और इस विपरीत धारा में रहकर आप जो है एक साधक का जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दुस्साहसपूर्ण भी कठिन और विशेष कार्य है। तमस युग में तामसी शक्तियां, तामसी प्रभाव इतना अधिक प्रबल होता है कि उनका आह्वान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उनका कहीं जागरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी तामसी शक्तियां है, वो बस बैठी हुई है कि आपके पीछे स्वतः ही लग जाएगी, आपके जीवन में स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी, आपके जीवन को प्रभावित करना आरंभ कर देगी। उसके लिए कहीं आपको आह्वान नहीं करना है, कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, और वो भी प्रबल रूप में, क्योंकि आप तामसी युग में जी रहे हैं। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चौरा। तो ये जो विरोध उत्पन्न होता है, ये जो आपसी मनमुटाव उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, इसके पीछे कारण होता है ये तमस, ये तामसी शक्ति। तमस का मतलब ये नहीं कि केवल कोई एक धुंधली सी चीज होती हो या कोई वायु रूप में कोई चीज होती हो, ऐसा नहीं है। ये शक्तियां हैं जिसमें हमारे प्रेत ग्रहण जो है सबसे अधिक प्रबल है, राक्षस दैत्य जिसको हम बजरंग बाण पढ़ते समय भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि जो कुछ कहते हैं, इन शक्तियों के कारण हमारे जीवन को कष्ट होता है, हमारा जीवन कष्ट में बन जाता है। अभी एक श्रद्धालु का आपने बीच में वीडियो सुना था कि जो लंदन में एक श्रद्धालु रहती है, उसने अपनी बहन के लिए अनुष्ठान किया बजरंग बाण का, पति पत्नी के बीच में क्लेश कलह बराबर, कह रहे कि हम 11 साल में हम प्रथम बार ऐसा हुआ कि जब हम 11 दिन तक लड़े नहीं, क्योंकि उधर अनुष्ठान चल रहा था। तो ये उनको आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से ऐसा हो गया, क्यों हम लड़ते थे, क्या कारण था। तो उसके पीछे ये तामसी शक्ति, और जब तामसी शक्ति जब आपको प्रभावित करती है तो आपके जीवन में ये आवेश क्रोध अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति अश्रद्धा संदेह शंका, ये सारी जो चीज़ें नकारात्मक चीज़ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नकारात्मकता कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, तो उस ऊर्जा का भी तो कोई स्रोत होगा ना, ये सारी शक्तियाँ यही नकारात्मकता है। विपरीत दिशा की तरफ बुद्धि ले जले, विपरीत कार्य की ओर हम आपको अग्रसर करें, तो निश्चित रूप से ये सारी शक्तियाँ प्रभावित करती है। और फिर ये कलयुग है, उन्हीं की विशेषकर उन्हीं का प्रभाव है, चारों तरफ वही प्रभाव, और फिर इसी से तनाव, इसी से मानसिक अशांति,
ये सब जो घटना जो हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं, कष्ट का कारण बनते हैं, ये उस नकारात्मकता के कारण होता है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। और परंतु नकारात्मक ऊर्जा भी तो किसी के द्वारा निकलती होगी। पानी भी निकल रहा है तो किसी न किसी स्रोत से निकलता है, किसी पाइप से निकलेगा, किसी कुएं से निकलेगा। तो ऐसे ही प्रतीक है आसुरी शक्ति। और ये जीवित जागृत जैसे हम लोग हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में भी सक्रिय होकर ये हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जैसे कंप्यूटर को एक हार्डवेयर हो गया, तो उसको संचालन कर रहा है अंदर से एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कई प्रकार की कोडिंग हो चुकी है। तभी हम कुछ क्लिक दबा देंगे तो वो चीज़ ऐसी फाइल ओपन नहीं हो जाएगी, उसके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है, भले हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो एक सिस्टम काम कर रहा है उसके पीछे, भले ही आपको वो तो तरंग जाते हुए, ध्वनि तरंग जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम बोल रहे हो, पहुंच रही बात है, तो एक सिस्टम काम कर रहे हैं यहाँ पे। सेटेलाइट है, इंटरनेट है, जो भी है। ऐसे ही जब आपके पीछे नकारात्मक ऊर्जा काम करती है, तो निश्चित रूप से कोई शक्ति है। तो इन शक्तियों का दमन कैसा हो, इन शक्तियों से समन कैसा हो, तो उसका समाधान ये वज्रम बाण अनुष्ठान है। इसलिए हम लोग वज्रम बाण पढ़ते हैं तो कहते हैं, उठो उठो चलो तो राम दुहाई, पाव परो कर जोरी बनाए। हनुमान जी को कहते हैं कि आप उठिए, जागृत हो जाए। तो इसका समाधान है देव शक्तियों का जागरण, देव शक्तियों का उत्थान, देव शक्तियों का आह्वान, ये समाधान है। इसलिए ये बजरंग बाण का जो अभियान है, ये कोई साधारण अभियान नहीं है। आप कह सकते हैं कि जैसे रावण के उस पूरे राक्षसी लंका के बीच में कोई एक विभीषण राम राम कर रहा हो, वैसे स्थिति में आप जी रहे। वो तो त्रेता युग है, त्रेता युग में तो चलो भाई कम से कम सतोगुण भी था, तमोगुण तो थोड़ा दबा हुआ था, रजोगुण प्रबल था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रबल तो सतोगुण था। उस परिस्थिति में भी एक स्थितियां थी। आज क्या स्थिति हो गई? आज चारों तरफ आप देख रहे होंगे पूरा नकारात्मकता का वातावरण, नकारात्मक तब फैलाने वाली चीजें हर एक के हाथ में हैं, हर एक उसको प्रभावित कर रहा है। आप भोजन भी करते हो तो आपको वो चीजें शुद्ध नहीं मिल रही है, हर चीज में मिलावट कर दिया जा रहा है, हर चीज में अशुद्धता उत्पन्न हो गई। ऐसे वातावरण में रहते हुए आप यदि इस अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत दुर्लभ और दुस्साहसपूर्ण और अद्भुत कार्य है। तो हम ये कार्य साधक के रूप में हम सभी लोग कर रहे हैं। कारखाने में तूती की आवाज ही सही, लेकिन हो रहा है भाई चारों तरफ अंधकार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है। तो इसमें एक हमारे उस देव शक्ति का आह्वान करने में सबसे प्रबल साधन जो आपको दिया है, वो है बजरंग बाण का अनुष्ठान। तो अभी रविवार का आज है ही है, अब उसको पढ़ेंगे ही, तो ये बराबर निरंतर आपको करना है। जहां पर आपने थोड़ा सा भी असावधानी की, चलो नहीं आज आलस कर दिया, तमस कर दिया, कोई नहीं, हम पे कुछ नहीं है, हम तो ठीक है, बढ़िया है, जहां आपके अंदर थोड़ा सा भी अहम आ गया, आप वहीं पे धड़ाम से गिर गए। जहां आपने सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, जहां आपने थोड़ा सा भी असावधान हुए, खान पान में, किसी के संगत में, आकर स्पर्श अस्पर्श में, कहीं पर भी आपने गलती की, आप ऐसे गिर जाओगे आपको उसे पता नहीं चलेगा कि कैसे ये सब चीजें कैसे हो गया जाना। तो इन सब चीजों के पीछे ये सारी शक्तियां होती हैं। पहला जो आपका प्रयोग दिया हुआ है वो बजरंग बाण का पाठ करना है, फिर प्रतिदिन ग्यारह पाठ भी करना है। दूसरा हमने आपको रक्षा कवच बताया है, बराबर रक्षा कवच करना है। बिना रक्षा कवच पड़े हुए आपको एक कदम भी आगे नहीं रखना है घर के बाहर। नहीं आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे। अब ये चीजें हमारे साथ भी होती है, हमारे ऊपर भी कोई बाहर से व्यक्ति आ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण में प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम लोक संपर्क से बचते हैं, और निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल इतना ऐसा पड़ता है कि आप 10 दिन की, 15 दिन की, महीने भर की आपकी जैसे जो साधनात्मक स्थिति बनी होती है, आपका जो हवामंडल बना होता है, आपके जो एक सात्विक और सुखमय तरंगे बनी होती है, सकारात्मक तरंगे बनी होती है, तुरंत नष्ट हो जाती है।
कितना भी 1 किलो 2 किलो दूध हो रखा हो, लेकिन आप उसको 2 बूंद अगर यदि खटाई के डाल दो तो 2 किलो दूध को फाड़ने के लिए वो 2 बूंद काफी है। कितना भी पवित्रमय गंगाजल आप रख लो, 1 लीटर 10 लीटर, उसमें 1 बूंद शराब की डाल दीजिए, वो पूरा पवित्र हो जाएगा। आप 1 लीटर शराब में 1 बूंद गंगाजल डालकर उसको शुद्ध नहीं कर सकते। ये तमस की शक्ति है। लेकिन 1 बूंद जो शराब है वो एक कैन में भरे हुए उस गंगा जल को अशुद्ध कर सकते, उसमें से दुर्गंध उत्पन्न कर सकते हैं। ये स्थिति है, इसीलिए सावधानी सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है साधक के लिए, जो भी अभियान से जुड़ते हैं, जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। और जब भी आपके जीवन में इस प्रकार के नकारात्मकता का आपके ऊपर आक्रमण होता हो, होते हुए दिखाई दे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसे परिवार में भी, हमें आपको उदाहरण बताया, एक दूसरे से पति पत्नी है, एक दूसरे से अच्छा लगाव है, प्रेम है, सब कुछ है, फिर भी एक दूसरे का शकल देखने की इच्छा न होना, ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो बात है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो इन सब चीजों को समझना होता है, और इन सब के पीछे जो शक्तियां होती है वो नकारात्मक शक्तियां होती है, असुरी शक्तियां होती है, आपके जीवन को, आपके कार्य को वो बाधित करती है, आपके उस सुख को, आपके शांति में जीवन को, आपकी उन्नति को वो देख नहीं पाते हैं, और फिर आपके जीवन को खटका देते हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए, और देव शक्तियों का जागरण करने में आपको ये प्रथम आपको पता है बजरंग बाण, दूसरा है रक्षा कवच, और तीसरा सबसे प्रबल साधन है वो है हवन यज्ञ। ये आप तय मान लीजिए कि जो भी साधक है, भले ही वो घी न खाए वो चलेगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन कम से कम आपको पंचमुखी मंत्र से, जो हनुमान जी का पंचमुखी मंत्र दिया हुआ है वेबसाइट पर है, पंचमुखी कवच के अंतर्गत, आप उन मंत्रों के द्वारा, या हनुमान जी का हवन मंत्र, मैंने विशेष रूप से ये सब मंत्रों को मैं सार्वजनिक नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत है तो मैं उसको सार्वजनिक करता हूँ। इसलिए हमने कुछ दिन पहले ही हनुमान जी का हवन मंत्र सबको दिया। उसके पीछे कारण है बजरंग बाण के द्वारा उन शक्तियों को, आपके जीवन को जो प्रभावित कर रही है वो शक्तियाँ। अभी एक श्रद्धालु का मैसेज है, गुरु जी हमने बजरंग बाण पढ़ा, हमारी बहन भी पढ़ने लग गई। लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी तो होगा। तो आप तो उसको देखा कि सपने में उसकी दादी दिखाई दे रही जो कैंसर से मर गई थी। अरे गुरु जी, वो तो हमने उनके लिए गया में श्राद्ध कर दिया। तो गया में श्राद्ध कर दिया तो तुमको सर्टिफिकेट मिल गया क्या? आपने देख लिया कि नहीं वो सदगति हो गई? ज्यादातर चाहे कहीं पर भी श्राद्ध करो, यदि विधि विधान के साथ नहीं होता है, और किसी किसी के दूषित कर्म ज्यादा होते हैं, तो इस प्रकार के श्राद्ध का भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे धुंधकारी की कथा आपने देखी होगी, धुंधकारी इतना बड़ा, उसके लिए भी उसके गया श्राद्ध हुआ, तीर्थ श्राद्ध हुआ, नहीं हुआ सब मुक्ति। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तवाचन हमको श्रीमद् भागवत महापुराण उनके लिए करना पड़ा। तो उसको बजरंग बाण के माध्यम से उसकी जो समस्या है वो उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। ये संकेत समझना पड़ता है। हनुमान जी आकर आपके कान में आकाशवाणी नहीं करने वाले हैं, ये संकेत है। ऐसे कई श्रद्धालु और तो साधकों को इस प्रकार की अनुभूतियां होती है, वो समझ नहीं पाते, उन संकेतों को समझ नहीं पाते। और ये जो समस्या होती है उसका वो समाधान नहीं कर पाते। जैसे आप बजरंग बाण है तो वो चीजों को उखाड़ देगा, वो चीजों को थोड़ा हटा देगा, नष्ट नहीं कर सकता उसको। उसके लिए आपको यज्ञ के माध्यम से ही ये चीजें संभव हो सकती है। जैसे विश्वामित्र जी, आपने देखा होगा रामायण में, हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो राक्षस उसमें हड्डियां डाल देते थे, उसको यज्ञ को बस खंडित करने का प्रयत्न करते थे। जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उनको खा जाते थे। भगवान राम दंडकारण्य में गए तो देखा कि वहां ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। क्यों? यज्ञ से किसको परेशानी होती है?
आसुरी तत्वों को प्रभावित परेशानी होती है, जो यक्ष राक्षस है, जो भी प्रेत पिशाच है, शंख बजाने से इनको कष्ट होता है। भागवत कथा हो, घर में कोई ग्रंथ का पठन हो रहा हो, शुभ कर्म हो रहे हो, तो ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये नकारात्मक शक्तियों के अधिष्ठाता है, ये बिल्कुल सक्रिय चारों तरफ फैले हुए हैं। इसलिए आपको सुरक्षित बनाकर, जैसे आपने बीच में कोरोना आया तो उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए फिर उसमें कुछ नियम बताए गए कि आपको मास्क लगाना चाहिए, तो फिर ये सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, तो फिर ये अपने स्पर्श से बचना चाहिए, कई प्रकार के उनको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले औषधियाँ बताई गई, तो एक उसको नियंत्रित करने के उपाय बताए गए। इसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियाँ जब जीवन को प्रभावित करती है, तो ये उपाय। इसलिए आप भले ही घर में एक दिन सप्ताह में भोजन या आप भले घी मत खाओ, लेकिन सप्ताह में एक दिन अवश्य हवन करो। ये मंत्र आपको जो दिया हुआ हनुमान जी का, या फिर जो अन्य भी आपके पास कोई इष्ट मंत्र हो तो उस मंत्र के कम से कम 108 आहुतियाँ दीजिए। और विशेषकर ये जो पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र मैंने दिए हैं, ये जो हनुमान जी का हमारा मंत्र बताया है, इसको करिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपके जीवन को इस प्रकार से वातावरण में इस तरह से आसुरी शक्तियाँ हैं। अभी कई कई नए नवविवाहित अभी पास में ही रहे, अच्छा साधक, उसका विवाह हुआ, एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि पति पत्नी के बीच में इतना द्वेष उत्पन्न हो गया, इतना हो गया कि वो पत्नी कह रही कि नहीं, अब मुझे रहना ही नहीं इनके साथ, मुझे जाना है घर में। तो फिर विवाह किस बात के लिए किया? एक दूसरे को पसंद किया, सारे जन्म कुंडली देखी, सब कुछ किया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन दोनों को कहीं ना कहीं वो तो नहीं देख रहे, लेकिन उनको तो सूक्ष्म शक्तियां देख रही है ना, जो वासना ग्रसित है, ईर्ष्यालु है, राग द्वेष से ग्रसित है, वही मर के प्रेत बनते हैं। जिनका जीते जी जीवन प्रेतों के जैसा पिसा चुका रहता है, दूसरों को सुखी देखकर, जिनको तकलीफ हो, कष्ट हो, यही सब लोग होते हैं, प्रेत पिशाच बनते हैं बाद में। ये तो सूक्ष्म जगत पर रहते, तो वो उस देखते रहते हैं। आजकल लोगों का भी फैशन चलने लगा है, डीपी पर जो है पति पत्नी दोनों मुस्कुराते हुए फोटो खींचती है तो डीपी पे लगा देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। नई नई युवा कन्या जो होती है, नई नई लड़की लड़कियों के फोटो तक डाल दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर, किस लिए पता नहीं। आप क्यों अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं? लोगों को मनोरंजन का साधन बनते हैं, निःशुल्क साधन, शरीर का प्रदर्शन, इसके दुष्परिणाम नहीं पता है ना। दुष्परिणाम जब ये सब चीज़ें सामने आती तब दिखता है। लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते थे पहले नज़र लगना, नज़र क्या होता है? यही नकारात्मक शक्ति है। ऐसे कई लोगों के पीछे उनको प्रभावित करते, कई लोगों के जैसे देखा है हमने, सब तो जीवन में अनुभव खूब झेल रहे, क्योंकि इसी जगत से जुड़े हुए, इसी क्षेत्र से जुड़े हुए, हमें पता है। एक डॉक्टर को पता होता है, जैसे किसी व्यक्ति को देखेगा तो उसका देखने से, कुछ वैद्य जो होते हैं अनुभवी वैद्य होते हैं, वो तो देखने से बता देते हैं कि इसका वात रोग है, इसको कि पित्त रोग है, कि कफ रोग है। बाकी और भी एनालिसिस करो, पता चल जाता है कि हाँ इसमें क्या रोग है। तो जैसे किसी के शरीर में कोई रोग हो तो एक डॉक्टर बता सकता है, ऐसे ही जो सूक्ष्म जगत की बात है, तो जिन्होंने सूक्ष्म जगत में अपना जीवन लगाया ऐसा व्यक्ति बता सकता है। तो हम सब अनुभव करते हैं, देखते हैं, सब चीज़ों का अनुभव होता है। और कई श्रद्धालु साधकों को भी अनुभव होता है, जो बजरंग बाणादि जो पढ़ रहे अनुष्ठान आदि करते हैं, उनको साधना काल में, अनुष्ठान काल में विघ्न आते हैं। और आपने देखा होगा कि विशेष विघ्न आपको अनुष्ठान काल में ही आएंगे। तो ये सारे क्यों आते हैं सर? क्योंकि नकारात्मक शक्तियां होती है, उनको कष्ट होता है जब आप इस प्रकार से सकारात्मक कार्य करते हैं। तब तो उन नव दंपतियों को जब देखा कि नहीं इस तो क्लेश हो रहा है, तो उसको उसने समझ गया कि नहीं, क्योंकि जुड़ा हुआ चैनल के माध्यम से, उसने तुरंत मैसेज किया, गुरु जी ऐसी स्थिति है, मैंने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी के मंत्रों से हवन करो। अब वो हवन करने बैठा तो इतना प्रेशर, क्योंकि पहले वो साधक रह चुका है, चार चार पाँच पाँच घंटे बैठ के हवन किया, उसको कोई परेशानी नहीं, उसी बीच में हो गई। तो अधिकांश स्त्रियों के साथ जो है ये चीज़ें बहुत पीछे लगी रहती है, विवाह के उपरांत फिर वो पुरुष पे हावी हो जाती है संपर्क में आने के बाद। फिर उसने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से हवन किया, तब उसको जो है उचित शरीर हल्का लगा। कई ऐसे साधक है बताते हैं कि नहीं,
गुरुजी ने बजरंग पाठ एक शॉर्ट पाठ किया, शरीर एकदम एकदम हल्का हो गया, मस्तिष्क एकदम जो तनाव था, एक भारीपन था, वो सब नष्ट हो गया, शरीर हल्का हो गया। तो कैसे हल्का हो गया भाई? तो इसका मतलब तुम्हारा जो शरीर अभी हल्कापन महसूस हो रहा है, आपको एक अच्छा लग रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में कुछ अंदर गड़बड़ थी, कुछ तनाव था, कुछ भारीपन था। तो भारीपन समाप्त हुआ, आप हल्कापन आ गया। तो इसलिए क्योंकि आपने देव शक्तियों का आह्वान किया, देव शक्ति का जागरण किया, तो ये जो तामसी शक्तियाँ वो नष्ट हुई, नकारात्मकता नष्ट हुई जो आपके शरीर को प्रभावित कर रही थी, आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे थे, और फिर अब आपको प्रफुल्लित आपका मन हो गया, आपके कार्य में गति आ जाती, बुद्धि जो है आपके काम करने लग जाती, कुंद हो रही बुद्धि, कई लोगों की बुद्धि बंद जाती है, जिनके ऊपर तंत्र क्रिया आदि हो जाती है, उनकी पूरी बुद्धि बांध दी जाती, काम नहीं करते, बस पड़ा रहेगा आदमी, लेटा रहेगा, सुस्ता रहेगा, उल्टी सीधी बातें। और आजकल एक नकारात्मकता का एक उदाहरण मोबाइल आ गया बस, और फिर उसमें भी शॉर्ट्स वीडियो, तो चलो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक चीजें गए तो एक दो चार अच्छी चीजें दिखा, दस दस गंदी चीजें घुस जाती है, सोता है। गलत चीजों का आपको आह्वान नहीं करना पड़ता, तामस चीजों का आह्वान नहीं करना है, पतन के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, पतन जो है सहज है, पानी को जमीन पर डाल दीजिए वो सीधा नीचे की तरफ ही बहेगा, जिधर धारा नीचे की धारा होगी उसके लिए कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही बहने लग जाए। अब वही पानी आपको टंकी में चढ़ाना है तो आपको HP लगानी पड़ेगी, आर्स पावर लगाना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, बिजली की आवश्यकता है, मशीन लगानी पड़ेगी, तब वो जाएगा ऊपर पानी, वहाँ फोर्स लग रहा है। तो आपको उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, सकारात्मकता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, कल्याण के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, साधना की आवश्यकता पड़ती है, तप की आवश्यकता पड़ती है, पतन के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, पतन सहज है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए और देव शक्ति के जागरण पर ध्यान देना है। तो प्रथम बजरंग बाण का पाठ, दूसरा रक्षा कवच, तीसरा आपको यज्ञ हवन करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन साधकों को, जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जो बजरंग बाण के पाठ कर रहे हैं, वो हवन बराबर करें, तय कर लीजिए। चौथा कार्य है आपका मंत्र जप। मंत्र जप भी कम से कम 1000 मंत्र का जाप, अगर मंत्र नहीं है तो नाम जप करो, प्रतिदिन आपको किसी एक मंत्र का करना ही है जो आपको दीक्षा मिले, दीक्षा में मंत्र दीक्षा लेकर ही करना, मंत्र का जप तो मंत्र दीक्षा लेकर ही करना चाहिए।